हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिरयानी हम सबको पसंद है। घर में कैसे आसानी से हम बिरयानी बना सकते हैं, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे कोलकाता स्टाइल मटन दम बिरयानी। बिरयानी बनाने के लिए हमने लिया है 4 से 5 बड़े साइज के आलू। आलू के स्किन निकाल के हम इसको मैरिनेट करेंगे हल्दी पाउडर और टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अगर आपके पास केसर है तो आप केसर यूज़ कीजिए, अगर केसर अवेलेबल नहीं है तो आप कश्मीरा लाल की चिली पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स आलू के साथ अच्छे से मिक्स करना है और आलू को 2 से 3 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। बिरयानी के लिए अभी हमें चाहिए 4 बॉइल्ड एग और उबले हुए अंडे, और यहाँ पे हमने लिया है 500 ग्राम्स मटन। मटन मैरिनेट करने के लिए हमें लगेंगे 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर, 2 से 3 ड्रॉप मीठा अदरक। टू टीस्पून टर्मरिक पाउडर और हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर और जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरा लाल और रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून ऑफ बिरयानी मसाला। इसमें ऐड करेंगे नमक और सॉल्ट एज पर टेस्ट। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट एंड 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट। सारे इंग्रेडिएंट्स मटन के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 1/2 आवर के लिए साइड में रख देंगे कि मटन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। कढ़ाई में 7 से 8 टेबलस्पून वाइट ऑयल ले लेंगे और उसमें हमें फ्राई करना है हमारे मैरिनेट किए हुए आलू। आलू को चारों तरफ से गोल्डन फ्राई करने हैं। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं आलू गोल्डन फ्राई हो गया है, तो हम इसे निकाल के साइड में रख देंगे। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्याज की बेरेस्ता बनाना। प्याज की बेरेस्ता बनाने के लिए हमने लिया है 5 से 6 बड़े साइज के प्याज को स्लाइसेस में कट करके हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे और इसमें मिलाएंगे 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला, 1 टीस्पून केवड़ा वाटर, नमक स्वाद अनुसार और इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून शुगर। बेरेस्ता भी अभी बन के तैयार है। इसके बाद हमें एक कुकर में ऑयल लेना है और उसमें ऐड करने हैं हमारा मैरिनेटेड मटन और फ्राइड आलू।
आलू हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करने हैं, 2/3 आलू बॉईल करने हैं। इसके लिए हम 2 सीटी लगाने के बाद आलू निकाल लेंगे और बाकी मटन फुल कुक होने तक छोड़ेंगे। स्टेप है राइस। बिरयानी के राइस बनाने के लिए हमने 2 कप फुल बासमती राइस लिया है और राइस उबालने के टाइम हम इसमें ऐड करेंगे 2 बेलीफ और तेज पत्ते, दालचीनी, 2 बड़े इलायची। राइस हमें फुल कुक नहीं करना है, राइस भी हम 2/3 ही बॉयल करेंगे। दिस इज आवर नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप। बिरयानी बनाने के लिए हमने लिया है 1 बिरयानी हंडी। चाहे तो कोई बड़े नॉनस्टिक पैन में भी, फ्राई पैन में भी आप इसको बना सकते हैं। इसी में भी आप ये बिरयानी बनाएंगे, उसको पहले हमें अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है। एकदम नीचे बॉटम लेयर पे हम इसमें पहले रखेंगे कुछ बड़े साइज के तेज पत्ते। अभी इसके बाद जो सारे इंग्रेडिएंट हमने बना के तैयार रखे हैं, जैसे कि मटन, आलू, बेरिस्ता, अंडे और राइस, लेयर में सजाना है। इसके साथ हम मिलाएंगे केवड़ा वाटर, मीठा अतर और बिरयानी मसाला। चाहिए 1/2 कप दूध और उसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून बिरयानी मसाला और 1 टीस्पून कश्मीरा लाल रेड चिली पाउडर। ये दूध के मिक्सचर को भी हमें राइस के ऊपर में से डाल देना है। लेयर डालने के बाद अब ये हंडी को हम ऊपर से एल्युमिनियम फॉइल से सील कर देंगे। हंडी को एकदम लो फ्लेम में एकदम से धीमी आंच पे रखना है। गैस पे 25 से 30 मिनट रखने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अभी ये बिरयानी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। दोस्तों, ये रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। And don't forget to like, share and subscribe to my channel.